गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग जा रहे हैं, यहाँ पे पास में पूजा है, वहीं पे जा रहे हैं हम लोग सब लोग, ऑल फैमिली मेंबर्स। सो ये एक छोटा सा ब्लॉग है, आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। मैं तो शादी के बाद घर में ही रहती हूँ, कहीं जाती नहीं हूँ, तो ब्लॉग व्लॉग तो बनाती नहीं हूँ। सो यहाँ पे जा रहे हैं पूजा करने, तो मैंने सोचा शूट करती हूँ। और अगर आप लोगों को पसंद आएगा तो इस वीडियो को करिएगा लाइक, अगर आप चाहें तो मेरे चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। और ये मेकअप मैंने कैसे किया है, जब तक हम लोग जा रहे हैं वहाँ पहुँच रहे हैं तब तक आप ये मेकअप लोग देख लीजिए। इस लुक के लिए सबसे पहले मैंने यूज़ किया है गुड वाइब्स का रोज हिप टोनर। आपके पास जो टोनर रेगुलर आप यूज़ करते हैं उसको यूज़ करिए, नहीं तो गुलाब जल को भी एज अ टोनर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने यूज़ किया है मॉइस्चराइजर, ये बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टर मॉइस्चराइजर है, ये भी मैंने ऑनलाइन से लिया था। तो आप जो मॉइस्चराइजर यूज़ करते हैं उससे आप यूज़ कीजिएगा। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सनस्क्रीन। डे टाइम लुक में सनस्क्रीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टैनिंग हो जाती है, तो बिना सनस्क्रीन के आप बाहर ना ही जाए तो ही अच्छा है, मैं तो यही रिकमेंड करूँगी। और आपके पास अगर सनस्क्रीन नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे सनस्क्रीन यूज़ किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ प्राइमर। मेकअप करने से पहले प्राइमर ज़रूरी होता है ताकि हमारे स्किन को हार्म ना पहुँचे। और आपके पास अगर प्राइमर नहीं है तो आप एलोवेरा जेल को भी एज अ प्राइमर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ पे आईब्रो फिल कर रही हूँ। आईब्रो फिल करने के बाद मैं यहाँ पे कंसीलर की हेल्प से, एक ब्रश से, मैं थोड़ा सा आईब्रो को शार्प कर लेती हूँ। जो भी नीचे इधर उधर फैला होगा उसको मैं अच्छे से शार्प कर लूँगी ताकि आईब्रो का एक अच्छा सा लुक आएगा। इसलिए ये ट्रिक आप लोग भी यूज़ करके देखिएगा, आप लोग का आईब्रो बहुत शार्प लगेगा और बहुत सुंदर लगेगा देखने में। तो मैं यहाँ पे वही कर रही हूँ, ऊपर साइड में भी नीचे साइड में भी। इसके बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ कंसीलर। ये कंसीलर स्टिक है, आपके पास जो कंसीलर है आप वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये ऑनलाइन से परचेज किया था, ये NYV का कंसीलर है। सो मैं यहाँ पे अंडर आई एरिया में, अपर आई एरिया में, नोज़ पे और लिप के ऊपर यूज़ कर रही हूँ, आप देख पा रहे हैं। और मैं इसको फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड करूँगी, कोई ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ नहीं कर रही हूँ मैं आज। आज मैं फिंगर की हेल्प से ऑल मेकअप कर रही हूँ, फेस मेकअप। आई मेकअप है उसके लिए तो मैंने ब्रश यूज़ किया है, बट फेस मेकअप के लिए मैं फिंगर से ही कर रही हूँ आज। इसके बाद मैंने जहाँ जहाँ भी कंसीलर अभी यूज़ किया उसको मैं कॉम्पैक्ट की हेल्प से थोड़ा बहुत सेट कर ले रही हूँ। नेक्स्ट मैं आई मेकअप के लिए एक लाइट ब्राउन शेड को मैं सबसे ऊपर यूज़ कर रही हूँ, सबसे ऊपर लगा रही हूँ ब्रश की हेल्प से। इसके बाद मैं येलो शेड को अपने मिडिल आईलिड पे, ऑल ओवर आईलिड पे यूज़ करूँगी। और मैं यहाँ पे अपने ननद से बात करते करते मेकअप कर रही हूँ, सो वीडियो में वही दिख रही है। अब मैं फेस मेकअप के लिए यूज़ कर रही हूँ पॉन्ड्स का बीबी क्रीम। मैंने आज कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं किया है, पॉन्ड्स की बीबी क्रीम से ही मैंने आज मेकअप किया। और इसको भी मैंने फिंगर की हेल्प से ही ब्लेंड किया है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर। और आज मेरा काजल लगाने का मूड नहीं था, फिर मेरा वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया, मूड बदल गया, और मैं यहाँ पे काजल, हल्का हल्का काजल यूज़ कर रही हूँ। इसलिए मैंने इसको नहीं दिखाया था बिकॉज मैं नहीं यूज़ करना चाहती थी, बट मेरी ननद ने कहा यूज़ करो तो देन मैंने किया। और यहाँ पे लाइट पिंक कलर को लेके मैं ब्लश यूज़ कर रही हूँ, लाइट पिंक कलर का ब्लश। नेक्स्ट मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हाइलाइटर।
और मैंने यूज़ किया था मस्करा जिसको मैं दिखाना भूल गई थी, सो मैंने मस्करा भी यूज़ किया है। तो आप लोग भी मस्करा यूज़ कर लीजिएगा अगर ये लुक क्रिएट कर रहे हैं आप लोग भी। सिंपल सा बहुत इजी और सिंपल लुक है, तो अगर आप चाहें तो इसको कैरी कर सकते हैं साड़ी के साथ, सूट के साथ, या फिर कुर्ती के साथ, जीन्स टॉप के भी साथ अच्छा लगेगा। सो अब मैं यूज़ कर रही हूँ रेड लिपस्टिक, ये लिक्विड लिपस्टिक है, तो यहाँ पे रेड कलर का लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा हेयर स्टाइल बना लिया है दोनों साइड से रोल रोल करके। अब मैं लगाऊंगी सिंदूर, उसके बाद बिंदी, उसके बाद मेरा मेकअप डन, मैं इयर रिंग पहनूंगी, उसके बाद फाइनली मेरा मेकअप डन। ओम वादयो हो वाद्यं समर्पयामि, चार बार जल चढ़ाइए। ओम वादयो हो वाद्यं समर्पयामि, आस्यो अर्घ्यं निवेदयामि, अर्घाङ्गाष्टकं जलं समर्पयामि, सर्वाङ्गे कृष्णानियं जलं समर्पयामि, वहाँ पे फेरे लगाने थे मंदिर के चारों तरफ से, फेरे लगाने थे, तो जितना ये इलायची दाना लेंगे हाथ में उतना फेरा लगाना पड़ेगा। तो मैंने 11 लिया था, यहाँ पे मेरी ननद ले रही है 27, और मैंने 11 लिया था। सो 11 बार घूम के, एक एक बार घूमते टाइम उसमें मंदिर के अंदर फेंकना था, मैंने 11 लिया था। बहुत ज़्यादा भीड़ था, 11 कम्प्लीट करते हुए भी बहुत टाइम हो गया। तो अब मैं यहाँ पे घूमने जा रही हूँ, और आप भीड़ देख पा रहे हैं कितना भीड़ है, कितना ज़्यादा भीड़ है। बहुत मुश्किल था, मैंने थोड़ा बहुत सीख किया। और यहाँ पे मंदिर के फ्रंट साइड पे आते ही लोग एक एक लाइट की तरह से मेरी ननद ने 27, मेरे हस्बैंड 11, मैंने भी 11 ही लगाया। और देख पा रहे हैं इतने सारे सब लोग मंदिर के चारों तरफ से घूम घूम के फेरे लगा रहे हैं। पूजा वूजा करके जब वापस आ रहे थे तो मुझे रास्ते में घोड़ा गाड़ी दिखा, तो मैंने इसको शूट किया। और यहाँ पे एक स्कूल था, तो वहाँ पे पूजा हुआ था सरस्वती पूजा, तो हम लोग उसके अंदर भी गए थे देखने। तो ये वहीं का है, और ये मेरी मम्मी जी हैं। सो गाइस, ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप ये ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। और मैं अच्छे से ब्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि अभी मैं ससुराल में हूँ, तो यहाँ पे तो मैं बोल बोल के ब्लॉग नहीं बना सकती हूँ, और हर जगह कैमरा ऑन नहीं कर सकती हूँ, कैमरा पकड़ नहीं सकती हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा दिक्कत होता है। बट मैं जितना भी शूट कर पाई आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो कर दीजिएगा लाइक, और प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।